अल्लाह की बरकत अज असी पका रहे करेले गोश्त। अद्धा किलो करेले ने मैं छिल लिते ने, एक प्याली घ्यो है घी जिन्होंने कहते हैं, लसन का पेस्ट का 2 चम्मच, टमाटर 4, 1 किलो मटन का गोश्त है बॉयल किया अद्धा, यह उनकी यखनी है, यह मसाले ने 1 चम्मच पीसा धनिया, 1 चम्मच हल्दी, नमक, 1 चम्मच मिर्च। चलो हूँ असी पकाइए खाना। 6 प्याज यह भी छिल के कट के रखे ने। बिस्मिल्लाह की बरकत पहले असी यखनी का पानी पाव, फिर असी यह पावे गोश्त। यखनी के मैं 3-4 लसन पाए सन छिल के, असी मसाले पावे, लसन, अदरक, टमाटर, अद्धा असी प्याज इन पावे, अद्धा फ्राई करांगे, अद्धा फ्राई करांगे, इन उबाल आएगा तो फिर मैं तुम दिखानी हाँ। बिस्मिल्लाह की बरकत, बिस्मिल्लाह की बरकत है। करेलिया तो किसी नमक ला के रख देंगे, फिर 5-10 मिनट बाद इनका की कहते हैं धो के नू, फिर तुम दिखाने। बिस्मिल्लाह की बरकत, असी इधर असी तेल घ्यो पावे तो नाल ही असी करेले पा देंगे, करेले धो के निचोड़ लेते हैं, मैं करेले पा लिया। बिस्मिल्लाह की बरकत है, फ्राई हो जाएंगे। दूसरी साइड वाला भी करेले रखते हैं। करेलिया तो बाद असी प्याज फ्राई कर लेंगे। चलो हूँ बिस्मिल्लाह की बरकत, हांडी में भी उबाल आता पे है, हांडी में उबाल आ रहे हैं, फिर असी वेखने दोबारा। बिस्मिल्लाह की बरकत, माशाल्लाह बेटा जी देखो उबाल आ गए, हूँ असी रखन लगे 20 मिनट बाद देखांगे। इधर करेले भी फ्राई हो रहे हैं, यह करेले भी फ्राई हो रहे हैं हल्की अग पर, फिर तुहानू 20 मिनट बाद आके दिखाने। बेटा ये थोड़ा पानी खुश्क हो रहा है, इन्हें ही हम करेले पावगी, यह फ्राई करेले पावगी बिच। गोश के नाल करेले भी नरम हो जाएंगे तो नाले भुज भी जाएंगे। थोड़ी देर बाद तेल पा के भुनागे, फिर जो करेले फ्राई किए सर, जो करेले फ्राई किए सर तेल। बिस्मिल्लाह की बरकत, पानी खुश्क हो गया करेलिया का भी पा के, हूँ असी प्याज तलिया है तो तेल पावे करेले वाला, दैन भुन के तुम खानी हाँ। मैं बिस्मिल्लाह की बरकत, हांडी साड़ी तैयार हो गई, पुज गई है, मिर्चा मिर्च मैं पा रही हाँ, तुम डिश आउट कर दो खानी हाँ। बिस्मिल्लाह की बरकत, बेटा जी करेले गोश्त तैयार हो गया, तुम भी ऐसा तैयार करो, दुआवां च याद रखो, अल्लाह हाफिज़।